के बस स्टैंड में पंजाब रोडवेज और पनबस के कच्चे मुलाजिमों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रोडवेज के कच्चे कर्मियों द्वारा उन्हें पक्का करने की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शन कर रहे पनबस और पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों का कहना है कि वह लगातार 15 सालों से ठेकेदारी सिस्टम पर काम कर रहे हैं और लगातार उनका शोषण हो रहा है। लगातार 18 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, मगर फिर भी सरकार उन्हें पक्का करने की ओर ध्यान नहीं दे रही। मेरा नाम कुलवंत सिंह जी। आज जो धरना दे रहे असी साढ़े पंजाब दी सेंटर दी जो सानू कॉल है पन वास्ते PRTC ये आपां धरना दे रहे हैं। जो आने वाले समय दे विच सरकार दे कुछ ही महीने रह गए ने ते सरकार जो कच्चे कामे है चाहे वह किसी भी महकमे च है उन्हां बारे कुछ भी सोच नहीं रही। असी सरकार नूं चेतावनी देनी चाहते हैं भी आने वाले समय के विच जो साडा संघर्ष है वह तिखा होगा ते असी अणमिथे समय वास्ते भी हड़ताल कर सकते हैं। तो यह सरकार की जो इनी कल नूं कैबिनेट मीटिंग है उहदे विच कुछ भी साडा हल ना कढ़िया तां असी सरकार का सख्त विरोध करांगे। सरकार अपने वादिआं तों खरी नहीं उतरदी, मीटिंगां दिंदी है ते मीटिंगां दे के भज जांदी है। यही जी सरकार घटिया सरकार है जो मीटिंगा दे के भी भजदी है। मेरा सुखविंदर सिंह है जी। देखो 15 साल हो गए हुकूमत दा चलदे नूं कि जिन्ना भी पंजाब दे विच कच्चा मुलाजम है उन्हां नूं बिना शर्त उन्हां दे विभागां दे विच रेगुलर किया जाए अते उन्हां नूं जिहड़ियां नवीं तनखाह मिलदियां है उस तों छुटकारा मिल सके। क्योंकि अज 15 साल हो गया इन्हां सरकारां नूं साडे कर्मचारियां शोषण करदे हुए निगुणियां तनखाह ते काम करते ने। लगभग 16-16 घंटे साडी जॉब है, बहुत रिस्की जॉब है, पर फिर भी सरकार साडे वल ध्यान नहीं दे रही ते सानू निगुणियां तनखाह दित्तियां जा रही ने। सो असीं मंग करदे हां सरकार नूं कि सानू बिना शर्त साडे महकमे दे विच रेगुलर किया जाए। जिन्ना भी कच्चा काम है पंजाब च है पंजाब दे विच इस टाइम मौजूद है उन्हां नूं रेगुलर किया जाए। एन स्टार न्यूज के लिए रूपनगर से सुषमा मॉडगिल की रिपोर्ट।